जय भीम दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। आर डी यू के डी चैम्पियन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजीव। ठीक है, आजकल क्या है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि हर किसी को फेमस होना है और फेमस होना चाहिए, ये सभी चाहते हैं और होना भी चाहिए। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, सब पढ़े लिखे नॉलेज वाले, सबको अपना अपना एक पहचान बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे उनको मैं समझा दूंगा चीज़ के बारे में। देखिए, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, वो हमारे लास्ट इम्प्रेशन को भी लेकर चलता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं, मान लीजिए मैं स्पीच दे रहा हूँ, अगर मैं इसी स्पीच को किसी बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट तक दूंगा ना, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो मेरा था ना, वो लास्ट तक वही रहना चाहिए। तो यही मेरा एक इस चीज़ के ऊपर आज मैं आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत से लोग आजकल के टाइम में क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे सिर्फ एक ही टारगेट लेके चल रहे हैं, सबका एक ही मतलब है, एक ही तरह की वीडियो बना रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉग, माय फर्स्ट ब्लॉग। ठीक है, माय फर्स्ट ब्लॉग में जरूरी नहीं कि आप खेत में खड़े हैं, गन्ने के खेत में, मक्के के खेत में, धान के खेत में खड़े हों, अच्छे शूट कर दिया, पीछे हरियाली दिखा दी, वो खाली एक ब्लॉग बनाने का मतलब ये नहीं होता। आपने वीडियो शूट करके हरियाली दिखा दी, ब्लॉग में आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके घर से संबंधित। मान लीजिए आपका घर कोई गरीब परिवार है ना, ज़रूरी नहीं कि आप गरीब फैमिली से हो, किसी बड़े रजवाड़े के घर पे जाके वीडियो बना दे, हाँ ये मेरा घर है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं दर्शाना है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपका जैसा भी घर है, चाहे छोटा मोटा छप्पर का है, कोई भी जो भी आप काम करते हो, जो भी आपका प्रोफेशनल चीज़ है, आप उसको उसका वीडियो बनाकर उसे ही फर्स्ट ब्लॉग के नाम से डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप खेतों में जाना है, या झरने पर जाना है, या ताजमहल पर जाना है, या एयरपोर्ट पर जाना है, एयरप्लेन में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें जो चीज़ आप कर रहे हैं, आपके घर में जो भी चीज़ है, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे खेती बाड़ी से संबंधित है, चाहे एक मोबाइल ठीक करने का काम हो, चाहे एक मिस्त्री का काम हो, कोई भी काम ले सकते हो, उसके ऊपर एक ब्लॉग बना के डाल दो। फेमस होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको एक सूट बूट पहनना है, कोट पैंट पहनना है, तभी आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके घर के अगर छत पे अगर छप्पर पड़ा है ना, तो आप अपना ही घर दिखाओ उसमें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक प्रोफेशनल चीज़ दिखाने, हाँ मेरे घर के आगे गार्डन है, अपने घर की छोटी सी शॉट ले ली, दूसरे के घर जाके दिखा दे ये मेरा गार्डन है, यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे वैसा है, ये चीज़ नहीं दिखाना है। अपना छोटा सा ब्लॉग बनाओ, जो भी आप काम कर रहे हैं उसी को लेकर उसके बारे में बताते चलो, ये मैं काम करता था, ये जो आप जब से शुरू किया, कहाँ पे सीखा, कहाँ पे क्या किया, किसके बाद कितने साल सीखने के बाद अपना इसको तुमने चलाया, अपना पर्सनल ऐसा वैसा, ये चीज़ आप उसमें दर्शा सकते हो। ठीक है, चाहे आप एक हलवाई हो, चाहे एक ड्राइवर हो, ठीक है, आप जो भी प्रोफेशनल काम करते हो अपना पर्सनल, उसको ब्लॉग बनाकर आप डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इतना कुछ करना है कि कोट पैंट में वीडियो ब्लॉग बनाएंगे तभी बनेगा, तभी हमारी वीडियो चलेगी, तभी व्यूज मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से आप शुरू करना चाहो वहीं से शुरू कर सकते हो, कहते हैं ना, जहाँ जगह वहीं सवेरा। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है, मैं ये वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ब्लॉग बनाकर डाल दो। एक दिन नहीं, एक दिन व्यू नहीं मिलेगा, दो दिन नहीं मिलेगा, चार दिन नहीं मिलेगा, दस दिन मिलेगा, सफलता है कभी ना कभी तो आपका कदम चूमेगी आके। ठीक है, तो मेरा मोटिवेशन वही आज सभी के लिए कि सफलता अगर पानी है तो थोड़ा अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा सफलता के लिए। आज एक प्रकार की वीडियो बना दी, कल दूसरे प्रकार की वीडियो बनाओ, परसों फिर तीसरे प्रकार की, ऐसे अलग अलग वीडियो बना के डालो, कोई ना कोई वीडियो आपकी ऐसी होगी जो वायरल हो जाएगी ऑटोमेटिकली और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने देखो कभी भी सोचा नहीं था मेरा यूट्यूब पे चैनल बनेगा, कभी पता ही नहीं था यूट्यूब होता क्या है, कुछ पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, लेकिन ऐसे देखते देखते बस मूड आ गया बनाने का। मैंने 2017 में चैनल शुरू किया था, लेकिन आज 2022 में मैं चल रहा हूँ, मैंने 2022 में आज चैनल दोबारा अपना चलाया है। 2017 में जब मैंने इसको चलाया था तो मुश्किल से 8 या 10 व्यूज थे, सब्सक्राइबर थे, लेकिन आज 60-70 के आसपास पहुँच चुके हैं और मुझे खुशी है कि मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ के कम लाल नहीं है कि मेरा वीडियो कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, हाँ बस इतना है कि जितना भी चल रहा है ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही मेरा मोटिवेशन आप लोगों के लिए भी था। तो मेरा मोटिवेशन और ये स्टेटमेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर और एक सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसका टन जरूर कर देना। ठीक है, बस यही मेरा मोटिवेशन था, बाकी इससे अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा मोटिवेशन अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, थैंक यू, तब तक मैं और वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हो जाऊँगा, तब तक के लिए इसको एंजॉय कीजिए, टेक केयर।